हाँ आज आज शायद आपने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की होगी, ब्लू ब्लू। हाँ अच्छा हो गया, हो गए तुम। सो यस डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक को कैसे समझे। हार्ट बर्न अगर हो रहा है तो कई बार ऐसी गलत फहमी नहीं हो जाए कि बस हार्ट बर्न हो रहा है और हम ये समझने लगे कि यार हार्ट अटैक की नौबत आ रही है। इस विषय पे दिल के मामले में आप बहुत अच्छी बातें करते हैं वैसे भी। जी जी रोज का काम, रोज का काम। यस डॉक्टर, सो दिल की बातें करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हार्ट बर्न क्या होता है और हार्ट अटैक कैसे इससे अलग होता है। ऑलराइट, सी व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट हाँ बर्न इज बेसिकली जब आपको कहीं भी छाती के अंदर अगर जलन हो रही है, दैट इज इनफ टू कॉल इट एज अ हार्ट बर्न। ठीक राइट है, हाँ हार्ट बर्न यानी एक तरीके से जलन हो गई छाती के अंदर, बट इट इज नॉट नेसेसरीली अ हार्ट अटैक। और देखिए, जलन हो गई, राइट? तो गैस, हार्ट बर्न बेसिकली गैस के वजह से ज्यादा होती है, राइट? राइट दैट इज व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड हार्ट बर्न, कि गैस आपको हो रही है। और ज्यादातर कब होती है? जब एसिड रिफ्लक्स होता है आपका। अगर आपके पेट से एसिड रिफ्लक्स हो रहा है और तब हम बात करते हैं, तो तब हार्ट बर्न और ये जैसा महसूस होता है, क्योंकि आपकी इसोफेगस, फूड पाइप में जो खाना है, जो आपका एसिड है पेट का, वो छलकता है। तो इट लिटरली बर्न्स योर इसोफेगस, जो आपका फूड पाइप है, और वो फील होता है। राइट ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं कुछ जला रहा है अंदर से, बर्न हो रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ हार्ट बर्न। एंड हार्ट अटैक इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, एक्चुअल खून की नसों में ब्लॉकेज आ जाए, एंड दैट इज अ हार्ट अटैक। एंड उस केस में सिर्फ ये नहीं होगा, सिर्फ बर्न नहीं होगा, उस केस में आपको दर्द होगा, आपको पसीना आएगा, आपको फलाना ढमकाना, बहुत सारे और सिम्टम्स आ सकते हैं। सो हार्ट अटैक एंड हार्ट बर्न हैव टू डिफरेंट, अलग अलग एंड काफी वेरिएबल्स। वेरी राइट। सो हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट बर्न में आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट की जलन जो आपको गैस के साथ भी महसूस हो सकती है या खाना खाने के एक आध घंटे के बाद महसूस होगी। एनी एनी स्पेसिफिक टाइम जब हार्ट बर्न आपको महसूस होगा या दिन भर भी हो सकता है। नहीं, जैसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हार्ट बर्न डिपेंड करता है आपका पेट कितना भरा हुआ है। इट्स बेसिकली समथिंग लाइक अगर एक ग्लास के बीचों बीच या ग्लास के अपर साइड में छेद हो, तो ग्लास जब भी भरेगा, चाहे वो पानी से भरे, चाहे खाने से भरे, उस ग्लास से आपका पानी डुल जाएगा, गिर जाएगा। सो एसिड रिफ्लक्स इज समथिंग लाइक दैट। एसिड रिफ्लक्स जब आपका होता है, तो आपके जब भी आपका पेट भरा हुआ होगा, चाहे पानी से भर जाए, चाहे खाने से भर जाए, आपका जो फूड पाइप और इसका जंक्शन है, वहां पर देर इज अ लूजनिंग, और वो एसिड रिफ्लक्स होगा। सो एसिड बाहर आएगा, प्लस समझ लो किसी ने खाना खा के आप झुक गए, खाना खा के झुक गए, एसिड रिफ्लक्स। आप मान के चलिए खाना खा के तुरंत लेट गए, एसिड रिफ्लक्स आ सकता है। सो इवन इफ अगर ग्लास पूरा भरा ना हो, पेट पूरा भरा ना हो, टेढ़ा करोगे तो गिर सकता है, सेम वे। सो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के इमीडिएट बाद लेटना नहीं चाहिए, इवन इफ लेटना आपका पेट। दोज आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट अबाउट दीज थिंग्स। ये ट्रेडिशनल विजडम है और इसको फॉलो कर लेना चाहिए। और तुरंत बैठना भी नहीं चाहिए, ये भी कहते हैं डॉक्टर कि खाना खाने के तुरंत बाद बैठना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। आप कितना मानते हैं इसको, ये कितना सही वॉक है? इज अ डिफरेंट थिंग, वॉकिंग इज अ डिफरेंट। वो एक खाना पच जाए उसके लिए अच्छा है। सो अगर आप खाके वॉकिंग पे जाते हैं, दैट इज वेरी गुड। बट ऐसा नहीं है कि बैठना गलत है, खाना खाके आप बैठ सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप खाना खाके वॉक करते हैं, तो दैट हेल्प्स यू इन डाइजेशन। अगर एसिड रिफ्लक्स है तुरंत हमको ये पता करना है, उस वक्त में आई एम श्योर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, आपको ये समझ में नहीं आता क्योंकि बेचैनी बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स में भी होती है, हार्ट बर्न में भी बहुत ज्यादा होती है। और स्पेशली अगर बीच रात में होता है तो मैंने खुद देखा हुआ है कि इट बिकम्स वेरी स्कैरी।
So ऐसे में does something like an aerated drink, soda water, ये तुरंत कोई टेस्ट है? नहीं नहीं टेस्ट तो नहीं है ऐसा, सोडा वाटर ट्राई जरूर कर सकते हैं आप. देर आर थ्री फोर आइडेंटिफिकेशन जिसको हम करेंगे कि वेदर इट इज अ हार्ट प्रॉब्लम और इट इज अ एसिड रिफ्लक्स और गैस प्रॉब्लम. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली नॉर्मली क्या होता है, कुछ अगर गिरता है तो आवाज होती है, राइट? हमें पता है कुछ गिरा तो आवाज होती है, लेकिन क्या है फिर नई नई चीजें ईजाद हो जाती है, स्पॉन्ज जैसी चीजें आ जाती है, कारपेट जैसी चीजें आ जाती है, तो आवाज कम हो जाती है. बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि शरीर में कहीं कुछ डैमेज होगा तो दर्द होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं. डायबिटीज जैसी चीजें आ जाती है, नसें खराब होने लग जाती है, न्यूरोपैथी होने लगती है. तो ऐसे में क्या हो जाता है, किसी को सिम्टम्स बहुत कम होंगे, किसी को बहुत ज्यादा होंगे, किसी को नहीं होंगे. सो डायबिटीज जैसी बीमारी में या न्यूरोपैथी वाली बीमारी, B12 डेफिशिएंसी, सर्वाइकल इश्यूज, कई सारे इश्यूज ऐसे भी हैं जिसमें हार्ट अटैक तक हो गया, पर पर्सन को पता तक ना चले. सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि ऐसा जरूरी नहीं है कि छाती में दर्द नहीं हुआ तो अटैक नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? और इसीलिए समझना जरूरी है कि हमारे पास में देर आर ओनली वेज, हम सिर्फ कुछ टेक्निक से जान सकते हैं कि हो सकता है हार्ट अटैक है या नहीं, राइट? गैस का प्रॉब्लम ऑब्वियसली हो सकता है, प्लस ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि गैस और हार्ट अटैक एक साथ नहीं होगा, इम्पॉसिबल, राइट? बिल्कुल साथ में भी हो सकता है. तो जो हार्ट को हमारे इंडिकेट करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो सबसे जरूरी आपको पता होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर तो आपको चलने फिरने से दिक्कत सिम्टम बढ़ रहा है तो दैट इज अ हार्ट, दैट इंडिकेट्स कि वो हार्ट का प्रॉब्लम है. सिंपल सी चीज है, ठीक है? अगर आप चल रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस समय आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अगर आपके हाथ में चोट लगी और उसी हाथ से डबल काम करोगे तो दर्द होगा, वेरी सिंपल. तो अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, इसको एंजाइना बोलते हैं, तो इस केस में अगर आप दौड़ रहे हो, आप चल रहे हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो वो एंजाइना नहीं है, तो वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है? राइट. क्योंकि अगर हम उस केस में ये भी सोच लें कि नसें भी खराब है और पेन नहीं होता, तो भी वो हार्ट जिसमें अटैक हो रहा है वो आपको दौड़ने नहीं देगा, आपकी सांस फूलने लग जाएगी, क्योंकि हार्ट विल बिकम कमजोर हो जाएगा. अगर एक इंसान, कई यंगस्टर्स आते हैं कि सर मेरे को कितने दिनों से छाती में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, मेरे को लगता है मैं हार्ट अटैक से, मैं 10 बार टेस्ट करा चुका, 25 डॉक्टरों को दिखा चुका. सो माय क्वेश्चन, मेरा सवाल एक ही होता है, तुम सीढ़ी चढ़ सकते हो? हाँ. अभी बोलूंगा कितने फ्लोर चढ़ पाओगे, वो कहते सर मैं 5-6 फ्लोर चढ़ जाऊंगा. अगर वो इतना कह देता है तो मुझे टेस्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हार्ट की बीमारी नहीं है, सिंपल. अच्छा, हाँ, तो फिर वो वजह क्या हो सकती है? और मसल, तो फिर हार्ट की, हार्ट है, मसल पेन है, गैस प्रॉब्लम है, आपके इसोफेगल स्पाज़म है, एसिड रिफ्लक्स है ना, देयर एंजाइटी प्रॉब्लम है, हजारों चीजें, गलत तरीके से सो गए हो, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? बट राइट, ठीक है. सो इसमें एसिड रिफ्लक्स में जरूर है कि भाई आपने खाना खा लिया, आज बाहर खा के आए, राजमा खा लिया, छोले भटूरे खा लिए और आप जलन हो रही है, अब जलन हो रही है, आई डोंट नो ये हार्ट है कि नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू, उस समय भी दौड़ के देखोगे तो नहीं, उस समय पहले आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक योर पल्स, ठीक है? पल्स का सबको आना चाहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन मीटर सबके पास होना चाहिए. अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, या दैट इज आल्सो अ गुड इंडिकेटर जो पल्स रेट बताएगा और ऑक्सीजन लेवल बताएगा, और उसमें आप ये देख सकते हो कि हार्ट रेट जो नॉर्मली आपकी रहती है वो बढ़ी हुई है या नॉर्मल है, ठीक है? अगर अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है एबनॉर्मली 110-120, देन देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है? हार्ट रेट नॉर्मल तो वो हार्ट की वजह से हो सकता है, या कोई मेजर जल गया है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, वो भी हो सकता है. लेकिन कंटिन्यूअस हाई हार्ट रेट इज एन इंडिकेशन ऑफ नॉट रिलैक्सिंग, उस चेस में आपको मतलब घर पे नहीं रहना है, कंटिन्यूअसली हाई हार्ट रेट है तो हॉस्पिटल जाओ. अच्छा, सो डॉक्टर, ऐसी अगर कोई सिम्टम्स हैं तो कितने दिन तक मॉनिटर करना चाहिए और कितने दिन बाद हमें अश्योर होना चाहिए कि अब तो डॉक्टर के पास जाने की बारी आ गई है?
नहीं, वो तो उसी समय की बात है ना, जिस समय बर्न हो रहा है, राइट? अच्छा हाँ बर्न, और हार्ट बर्न इज समथिंग लाइक, जैसे गरम गरम चाय गिर गई, अगर गरम गरम चाय हाथ पे गिर गई है तो कितनी देर जलेगा? 5 मिनट जलेगा, 10 मिनट जलेगा? कंसीडर दैट आप तो चलो उसके ऊपर आप पानी लगाओगे, उसके ऊपर आप जो भी करोगे कोलगेट लगाओगे, ये लगाओगे, ठंडा लगाओगे, बट इन केस अगर आप कुछ नहीं भी लगा पाते तब भी, राइट? क्योंकि गले में तो आप कुछ नहीं लगा पाते, यहाँ तो कुछ नहीं लगा, तब भी वहां पर वो एक लिमिटेशन, एक टाइम तक ही जलेगा, राइट? थोड़ी देर तक जलेगा, धीरे धीरे जलन कम होती जाएगी. तो दैट्स द सेम थिंग विच इज देयर इन इसोफेजाइटिस, गैस जीआरडी, एसिड रिफ्लक्स हुआ, वो जला. उस समय आप अगर कोई डाइजीन ले लेते हो आराम आता है, अगर आप कोई कभी कभी आप इनो ले लेते हो या ऐसी चीज ले लेते हो. इनो और इनसे क्यों आराम आता है, कई बार क्या होता है जो एसिड बनता है पेट के अंदर उसके अंदर गैसेस भी बनते हैं, तो वो सरफेस पे ऊपर ऊपर तक आ जाते हैं, एंड दैट गैसेस एंड ऑल वो क्या कर सकते हैं, जगह खा सकते हैं, वो गैस ऊपर छोड़ते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि एसिड ही रिफ्लक्स होगा, कई बार गैसेस भी बाहर आएंगी, टकार गैस के साथ में बौछारे आ गए थोड़े से, तो गैस के बौछारे हो गए, एंड यू आर लाइक क्या हो गया. तो दैट इज समथिंग विच हैपेंस टू एवरीवन, कभी कभी सबके साथ होता है, बट जिसके साथ हमेशा होता है, जिसके साथ वहां पे छाले हैं, जिसकी हीलिंग फास्ट नहीं है, जिसको मुंह के अंदर अल्सर होते हैं, उसके यहाँ भी हो सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स जो हमें सोचनी पड़ती है कि एक पेशेंट हमारे पास आया, तुमको कभी मुंह में छाले होते हैं क्या, वो जल्दी हील होते हैं क्या, तुम वेजिटेरियन हो क्या, मतलब तुम्हारे अंदर बी कॉम्प्लेक्स कम होगा, मतलब आपकी हीलिंग स्लो होगी, मे बी दैट इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. आप पानी पीते हो क्या, दिन में कितनी बार खाना खाते हो? वो कहेगा एक ही बार खाना खाता हूँ, मतलब वो पेट इतना भर लेता होगा कि एसिड रिफ्लक्स हो जाता होगा. सो इतनी सारी छोटी छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें डायरेक्ट करते हैं कि ये बंदे को जीईआरडी है. एंडोस्कोपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एक इंडिकेशन हमें मिल जाता है. और वहीं हमें ये पता चलता है, एक इंसान है रोज दौड़ भाग करता है, रोज एक्सरसाइज करता है, आर्मी पर्सन है, वो कह रहा है जलन होती है, मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तो इट्स वेरी वेरी अनलाइकली कि उसको हार्ट प्रॉब्लम होगा. दूसरी तरफ एक मोटा आदमी आता है, एक मोटी लेडी आती है, वो कहती है कि भाई मैं दारू भी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, डायबिटीज भी है, बीपी भी है, फिर तो वो इतना भी कह दे कि बस भारी भारी लग रहा है, तो हमें हार्ट का लगता है. भारी भारी लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बस अजीब सा लग रहा है, तो हमें हार्ट के लिए टेस्ट करना, क्योंकि उसके रिस्क फैक्टर ही है, उसके रिस्क फैक्टर ऐसे है ना. राइट, इट इज ऑल अबाउट द इथॉस. राइट. सो डॉक्टर, हमने शायद ये पिछली एक क्लास में इसके बारे में बात की है, लेकिन आज मैं फिर से, अगर चूंकि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, अभी भी सौरभ गांगुली के बारे में हमने सुना कि उनका एंजियोप्लास्टी हुआ, एक बार वो ठीक हो गए, फिर दोबारा उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. ही इज ऑल्सो अ फिट पर्सन, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द आइडल्स इन क्रिकेट, और हमेशा से फिटनेस पर ध्यान देते रहे हैं, दिखते भी फिट हैं अभी भी. सो वॉट शुड बी रिलाई अपॉन? You should not rely upon everything. My verdict will be, मेरा advice होगा, और मेरी मेरे चाहे तो लिखित में ले लो, right? लिखित में लो कि हर एक को heart attack आना है, आपको भी आना है. Everybody is going to get a heart attack. Now, जितने अच्छी तरह से आप जी रहे हो, right? जितने अच्छी तरह से आप, and see, what comparison क्या होता है पता है? Comparison होता है, आपकी शरीर का भी comparison होता है. So, I'm not saying कि सौरभ गांगुली को क्यों हुआ. सौरभ गांगुली जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, फादर मदर को जिस उम्र में हुआ था आपको उस उम्र में होने का चांसेस है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, उनके लिपिड प्रोफाइल, उनके बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल, रात को नींद अच्छी आती है कि नहीं आती है, हाउ मच स्मोक एक्सपोजर है, पोल्यूशन का एक्सपोजर है, कितनी अच्छी क्वालिटी का फूड लेते हैं, घर का खाना हमेशा खाते हैं, बाहर का खाते हैं, कितना सैचुरेटेड फैट है, राइट? कितना ब्लड प्रेशर कितना है, ऑल दीज थिंग्स, एंड देन एक्सरसाइज कितनी करते हैं, एंड देन इतने सारे फैक्टर्स को अगर मिला के हम बात करते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि भाई आपको एक रिस्क फैक्टर समझ में आज के रेट में क्या होता है, 30-35 की एज के बाद, 35-40 साल के आसपास यू स्टार्ट टेस्टिंग फॉर हार्ट डिजीज एवरी ईयर. हर साल आप हार्ट टेस्ट कराओ, ईसीजी कराओ, टीएमटी कराओ, इको कराओ, सो दैट यू नो कि आपकी बारी आने वाली है क्या,
राइट, यू डोंट वेट कि भाई मेरे को अटैक आएगा तब सोचेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? बिल्कुल हर साल टेस्ट होता है, और ये इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो तो अपने एम्प्लॉयज का कराते रहते हैं, 30 साल के हैं तो हर साल आते हैं, या तो इको कराते हैं या टीएमटी कराते हैं. व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर कोई कॉर्पोरेट में अपने लोगों को इन्वेस्ट कर रहा है, अपने अपने एम्प्लॉयज पे उनको बड़ा कर रहा है, उनको अच्छे योग्य बना रहा है, और वो भैया हार्ट अटैक आ जाए और वो काम ना कर पाए, ध्यान ना दे पाए, थोड़ा सा चले तो सांस फूले, तो उनका एक एसेट जो है खराब होगा. तो दे वो अपने एसेट पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप पे खर्चा नहीं करते. हम ध्यान नहीं देते कि भाई हम अपने लिए टेस्ट करें, राइट? ऑफ इंडिया. सो बाहर के देश में ऐसा नहीं है, बाहर के देश में बहुत रेगुलर टेस्ट होते हैं, और क्योंकि वहां पर हेल्थ केयर पूरा का पूरा उसका खर्चा नहीं देना पड़ता, इसलिए सब अच्छा है. इंडिया में जब गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा उठाने लग जाएंगे प्राइवेट वाले भी, तब हो. तो दैट इज बहुत बड़ा है, कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है, दैट इज ट्रू. तो उन लोगों को कॉर्पोरेट वालों को पैसे नहीं देने पड़ते, उनकी कंपनी तो वो करा लेते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं खुद के, तो हम नहीं कराते, ये सच्चाई है. लेकिन तभी मैं कहता हूँ कि एक हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, जो हर साल आपका टेस्ट करवाता है, दैट इज ऑल. एंड अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट हेल्थ की नॉलेज होनी जरूरी है, एटलीस्ट तो जरूरी है. राइट. तो मैं एक्चुअली आपने अच्छा किया इंश्योरेंस के बारे में बात किया, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. अब अपने क्योंकि इंश्योरेंस का टॉपिक छेड़ा है डॉक्टर, और हम हार्ट की बात कर रहे हैं, विच इज समथिंग जो आपने भी कहा कि सबको होना है, तो इसका डर भी सबको जरूर होता है कि हमारे घर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक हार्ट अटैक होता है, एक कैंसर का डर होता है. सो अस्पताल में लाखों का बिल कटना है, इसका जरूर अश्योरेंस है. तो अब इंश्योरेंस जब खरीदना होगा तो कितने तक का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार कॉर्पोरेट्स एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस देते हैं आपको, 3 लाख का इंश्योरेंस ऑन एन एवरेज होता है, 2 या 3 लाख का. क्या इतना पर्याप्त है पूरे फैमिली के लिए? नहीं, पूरे फैमिली के लिए तो नहीं, एक पर्सन के लिए 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक इंश्योरेंस होना चाहिए. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ रिस्की योर लाइफ इज. अगर आपको लगता है आपकी लाइफ रिस्की है, अगर आपको लगता है बहुत जरूरी है, तो इंश्योरेंस 3 से 5 लाख के आसपास तो होना चाहिए. अच्छी बात है कि आज के डेट में कुछ कंपनीज फ्लोटर वाला सिस्टम भी देती हैं, तो फ्लोटर भी आप रख सकते हैं अगर फैमिली की बात आती है, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मगर 3 से 5 लाख एक बार में खर्चा होने के चांस होते हैं. अगर एक हार्ट अटैक हो जाता है तो भी देर आर केसेस जिसमें हम 1 लाख में भी आपको इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट है, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख उसमें भी हो जाता है. छल्ले लगाने वाला स्टंट वाला ट्रीटमेंट है, 2 से 2.5 लाख तक खर्चा आता है. रेफरी में जाओगे, थोड़ा बाहर बाहर जाओगे तो लाख रुपए में हो जाता है. सो लेकिन क्या है, जहां पे आपको हो रहा है, मतलब तो आपको दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली में तो भैया 2.5 लाख, 3 लाख लगेंगे आपके. बिल्कुल. अगर आपका केस कॉम्प्लिकेट हुआ, लंबे समय अस्पताल में रहे, वेंटिलेटर पे गए, तब आपका फिर 5 लाख लग जाएंगे. दैट इज हाउ, इसलिए 3 से 5 लाख का आपका होना चाहिए. और ऐसा नहीं, लेट्स कंपेयर इट विद अ डीजल की गाड़ी. डीजल वाली गाड़ी होती है ना, उसको कहते हैं रोज गाड़ी निकलनी चाहिए आपकी, ठीक है? वेरी सिंपल, रोज गाड़ी चालू जरूर करो, रोज निकालो. ऐसा मुझे किसी ने बोला, मेरे को पता नहीं कितना सच है, ठीक है? मुझे नहीं पता, वो कहते हैं चलते रहनी चाहिए. चलते रहती है तो ठीक है, नहीं तो पड़े पड़े खराब हो जाती है. वैसे ऐसा कोई भी चीज पड़े पड़े खराब हो जाती है, व्हेनेवर यू यूज इट, राइट? और ह्यूमन हार्ट का ना एक और सिस्टम है, राइट? तो यू कैन नॉट यूज इट टू अ वेरी हाई एक्सटेंट. एक बार एक एथलीट सौरभ गांगुली जैसे, वो डेली 4-4 घंटे, 5-5 घंटे की वर्कआउट करते होंगे, मतलब बेसिकली प्रैक्टिस हो गई, फिर वर्कआउट हो गई, फिर प्रैक्टिस हो गई, फिर वर्कआउट हो गई, एंड नाउ ही इज इनटू बीसीसीआई एंड ऑल. सो उनका क्या हो गया, आधा एक घंटा एक्सरसाइज करते होंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी वॉक कर ली. सो दैट ऑल्सो, दैट इटसेल्फ, एक हार्ट जो है जो इतना हैवी एक्सरसाइज के लिए वो हो चुका है, प्लस अगर कम हो जाता है, दैट ऑल्सो इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है? राइट. हमें क्या करना पड़ता, इवन आर्मी वाले लोग जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, उनको क्यों, उनका क्या होता है, एक बार पहले पहले तो ट्रेनिंग टाइम पे दबा के एक्सरसाइज कर ली, और ये चौड़ा सीना है, उसके बाद जब थोड़े थोड़े हायर रैंक में पेट ही बाहर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर शुगर, फिर ये, और फिर जय हो.
सो दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर. यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप अपनी बॉडी के बारे में समझो, सुनो कि भाई हाँ मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है तो क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, क्या मैंने गलत तरीके से कुछ उठाया, मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, क्या है. सेम गोज इन द हार्ट. और ये हार्ट का नहीं है, आपके दिमाग से लेके पैर की उंगली तक आपके ऐसे एक एक, जैसे हार्ट के अंदर एक छोटा पेड़ है, तीन मेन नसें हैं, ऐसे आपके आपके शरीर में करोड़ों नसें हैं, खून की नसें हैं. और ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है या जिसको आप हार्ट अटैक होने बोलते हैं, वो आपके पूरी बॉडी में हर जगह होगा, ऐसा हार्ट में होगा. सो कुछ लोगों के हार्ट में ज्यादा होता है, कुछ लोगों को जेनेटिक हार्ट ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हार्ट के अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं. आपके छोटी छोटी नसों में ब्लॉकेज आ रहा है, तो दैट ऑल्सो छोटी नसों में ब्लॉकेज आ रहा है, मे बी उतना ऑक्सीजन नहीं, तो दैट इज एन एंड आर्टरी. एंड आर्टरी, एंड आर्टरी का मतलब है कि वहां पे बहुत छोटी सी नसें, छोटी छोटी आर्टरी है, बाहर से वापस कुछ नहीं आ रहा, एंड आर्टरी लाइक दैट. तो एंड आर्टरी में आपका अगर वहां पर भी ऐसी लाइन आती है, छोटी सी लाइन होती है, तो कहते हैं कि मे बी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है. लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑक्सीजन सप्लाई, है ना. सो ऑक्सीजन सप्लाई तो एक टीबी के पेशेंट का भी कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई तो एक फेफड़ा, अगर किसी का एक फेफड़ा नहीं है या किसी को कोरोना के बाद आधा फेफड़ा खराब हो गया, उसका भी कम होगा. सो इसीलिए Whenever you, आप जब सुनते हैं ऐसी कोई बात, तो उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करिए कि लॉजिक क्या होगा, तब आप उसको अपने लाइफ में अपना पाओगे. So that is the concept here. ओके वंडरफुल. अजहर सैयद हेलो, अजित कुमार कह रहे हैं हेलो, डॉक्टर परमजीत एंड मयूरी हेलो, अजित कुमार, मल्लिकार्जुन नमस्ते, अजहर इज सेइंग ऑसम, अभिषेक वर्मा इज सेइंग सही कहा आपने, दीज आर फ्रॉम गोकी. और जॉर्डन है हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, वो कह रहे हैं उनके दिल में एक छोटा सा होल है इन द लो इन द लेफ्ट अपर हार्ट लेफ्ट एरिया इन एडोलेसेंस एज. आई फील पेन नाउ, आई एम ओके and can run 5 kilometers in 25 minutes, but sometimes I feel same pain, so should I have to check with the cardiologist? Yes, you should. The pain is not because of the hole. दिल में होल होता है तो वो पेन कभी नहीं करता, पहली बात. इट कैन नॉट कॉज पेन, ठीक है, ये रिमेम्बर दैट, बिकॉज पेन इज इन द, अगर मसल में इंजरी हो रही है तब पेन होता है. ये होल अभी नहीं हुआ है, ये बचपन से होगा, ठीक है, बचपन से होगा. और होल जो बचपन से होते हैं वो अच्छे खासे ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि फट रहा है और फट रहा है और पेन हो रहा है, नहीं. होल ऐसे ही होता है, उसमें प्रेशर होता है, एक प्रेशर होता है कि होल से एक तरफ का ब्लड, अच्छा ब्लड गंदे ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है. Why? अच्छे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, so that is the only problem there. उसमें प्रेशर ज्यादा है तो वो हार्ट का शेप चेंज हो सकता है, बिकॉज एक तरफ का प्रेशर तो है, दूसरा खून और आ रहा है, तो वो प्रेशर से राइट साइड का हार्ट जो है बड़ा हो सकता है, लेफ्ट साइड का हार्ट बड़ा हो सकता है, तो वहां पे पेन नहीं हो रहा है, पेन हो रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम साथ में हो रहा है. इट माइट बी मस्कुलर पेन, गैस का प्रॉब्लम, और ऐसा कुछ नहीं कि दिल में छेद है तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है. तो व्हाट यू नीड इज इवैल्यूएशन अगेन. राइट राइट. सो डॉक्टर आपने एक बात अच्छी कही कि दिल पे हम बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल सकते, लेकिन आप शायद फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे अभी. हम अगर मेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि दिल एक ऐसा या ब्रेन एक ऐसा मिस्ट्री है जिसको लेकर अभी भी यही समझ में आता कि फिजिकल और मेंटल ये बैलेंस जो है वो कैसे क्रिएट किया जाए, दोनों चीजें इस पे अफेक्ट करती हैं. अब अगर हम दिल के बारे में, अभी मनिंदर यहाँ पर हैं जिन्होंने कहा कि इनको एंग्जाइटी भी है, अगर हार्ट के मामले में हम कहें तो बहुत सारे इश्यूज हार्ट के मामले में, प्रेशर ज्यादा ले लिया, डर ज्यादा है किसी चीज को लेकर, तो ये सारी चीजें हार्ट अटैक में, या अगर सौरव गांगुली की बात करें उनके बारे में कहा जाता है कि वो गुस्सैल बहुत ज्यादा है, तो डू यू थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट द हार्ट एंड काइंड ऑफ गिव एन इंडिकेशन पुश फॉर हार्ट अटैक्स फर्दर? आई थिंक यस, बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट होगा. आपके आपके पूरे दिन में आप 10 मिनट शांति से बैठे कि नहीं बैठे वो भी मैटर करता है. आपकी, वैसे मैंने कहा, सी मेजॉरिटी चीज क्या मैटर करती है कि हाउ
हाउ एंग्शियस यू आर इन द होल डे, अगर हम बात करें राइट. इफ अगर कोई कोई स्टूडेंट हमें दिखेगा नहीं नहीं एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, खाना खाता हूँ मुझे पढ़ना है, नहीं नहीं मेरे को सोना नहीं है, मेरे को नहीं, तो वी विल लाइक क्या कर रहा है भाई, ऐसे थोड़ी जी सकता, ऐसा थोड़ी होता है. वी स्टॉप दैट पर्सन कि भाई ओवर एंग्शियस नहीं होना. और कोई दूसरा बंदा है जो बैठा है, अरे छोड़ दो कौन एग्जाम देगा, आते रहते हैं, फेल ही हो जाएंगे, और क्या पता है मुझे, सब आते हैं. तो एक लेजी एटीट्यूड से आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आपके होते हैं, एक एक हेल्दी एटीट्यूड आपके बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है. एंगर से, गुस्सा आने से आपकी हार्ट बीट और बीपी बढ़ता है. उस समय अगर आप गुस्सा तुरंत आ रहे हैं, और भैया किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो गुस्सा आने से तुरंत हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. अगर मान लो एक आदमी पूरा दिन गुस्सा रहता है, या दिन में 10 बार गुस्सा होता है, और वो एक्सरसाइज भी कम करता हो, या उसके हार्ट के आसपास उसके स्मोकिंग करता हो, या उसके उसकी क्या होगी, उसकी खून के नसों की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी. व्हाट इज इलास्टिसिटी? द एबिलिटी कि आप अपना जो खून की नसें हैं ये रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर कम कर पाए. ये हर एक में अलग होगी, समझे? सो इस केस में आपका जो गुस्सा है वो आपके खून की नसों में और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करेगा, क्रैक लगाएगा, और वो ज्यादा देर तक रिलैक्स नहीं होगा, और आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिस्क. ओके ओके. अभिषेक वर्मा है गोकी पे जो पूछ रहे हैं, सर क्या मसल पेन भी हार्ट अटैक के आसपास दर्द का कारण हो सकता है? मेरी ईसीजी और इको रिपोर्ट नॉर्मल है, क्या मुझे किसी और टेस्ट से पता करना होगा? पेट में इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट चल रहा है, पर कुछ भी खाते ही पल्स रेट बढ़ जाती है. देखो ये कुछ भी खाते ही पल्स रेट बढ़ जाना कैन बी एंग्जाइटी ऑल्सो ऐसे केस में, पर आपके केस में एग्जैक्टली क्या रीजन है, थोड़ा सा टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए आपको. तो व्हाट यू कैन डू इज एक बारी टीएमटी करा लो, अगर आपका ईसीजी इको नॉर्मल है, यू कैन जस्ट डू अ टीएमटी ट्रीटमेंट टेस्ट, उससे पता चल जाएगा कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं. आई एम रिपोर्टिंग एंड ब्लॉकिंग जैद खान. हाँ ओके. सो जॉर्डन पूछ रहे हैं स्मोक का क्या रोल है हार्ट अटैक में? स्मोक, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पोल्यूशन, सिगरेट स्मोक, या फिर जो गाड़ी का स्मोक है, ऑल दोस थिंग्स हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स, हजारों केमिकल्स हैं जो आपके खून, आपके खून की नसों में, आपके हार्ट के, आपके लंग्स के अंदर डैमेज करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं. वेर एवर देर इज इन्फ्लामेशन, क्रोनिक एक्सपोजर, उस वजह से वहां की जो एंडोथीलियम है, अंदर की लाइनिंग है, वो डैमेज होती है. एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके मुंह के अंदर अगर आप देखोगे, और एक हेल्दी आदमी के मुंह के अंदर देखोगे, तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा. उनकी लिप्स भी काली हो जाती है, उनके मुंह के अंदर जो है एपिथीलियम जो है वो फ्लैट होने लगते हैं, रफ होने लगते हैं. तो द सेम थिंग कैन हैपन टू योर लंग्स, द सेम थिंग कैन हैपन टू योर खून की नसें, एंड वहां पर क्रैक आएगा तो फिर वो ठीक थोड़ी होता है, फिर वो और क्रैक आएगा. राइट राइट.